हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पाठ 9, जो नई किताब है उसके पाठ 9 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बारे में, जिसका नाम है हमारा विद्युत तथा परिपथ। यानी विद्युत और परिपथ वाला जो हमारा पाठ है बेटा, इसके अंदर हमसे अभ्यास में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ये नई किताब के हिसाब से पार्ट नंबर 9 है, पुरानी किताब के हिसाब से पार्ट नंबर 12 है। यानी 2023 और 2024 के लिए जो हमें सिलेबस दिया गया है बेटा, उसमें ये पार्ट नंबर 9 के नाम से है, यानी नंबर से है। तो पार्ट नंबर 9 में जो हमारे से जो भी चीजें पूछी गई है, जिनके बारे में हमने पढ़ा बेटा, जाना, सीखा, उनके आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए जानते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। और साथ ही बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाने वाला हूं, जो आप लोगों के टेस्ट में, यूटी में या फिर फाइनल एग्जाम में पक्का आने वाला, डैम श्योर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो, आपके मार्क्स अच्छे आए, आप थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छे मार्क्स आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम एक चैप्टर को 4 वीडियोज में कवर करते हैं, पहला फुल एक्सप्लेनेशन, दूसरा रिविजन, तीसरा एक्सरसाइज क्वेश्चन, चौथा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के बारे में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर होते हैं बेटा, वो यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे देखो, ऐसे प्रश्न उत्तर होते हैं हमसे, और इनके प्रश्न और उत्तरों को मैंने कॉपी करके जो है वो नीचे लिख दिया है। अब हम इन क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक युक्ति यानी एक यंत्र जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, तोड़ने के लिए चाहे जोड़ने के लिए, दोनों का उत्तर यही आएगा बेटा, और वो है स्विच। क्या है वो? स्विच। स्विच की सहायता से आप परिपथ को तोड़ देते हो ऑफ करके, परिपथ को जोड़ देते हो ऑन करके। उसके बाद दूसरा है ख भाग, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? डैश टर्मिनल होते हैं। और वो हमने पढ़ा था ना, कितने टर्मिनल होते हैं बेटा? 2 टर्मिनल होते हैं। तो आप यहां पर 2 टर्मिनल लिख देंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का हमें चिन्ह लगाना है। जैसा भी आपको लगता है, सही है तो टिक कर देना है, गलत है तो क्रॉस कर देना है। तो कह रहा है विद्युत धारा वस्तुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, क्या सभी वस्तुओं से? बताइए, क्या सभी वस्तुओं से प्रवाहित हो सकती है? हाँ, विद्युत धारा वस्तुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, पर यहां पर सभी नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम फिलहाल सही लिखेंगे। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर टूटी के की डोरी प्रयुक्त की जा सकती, सॉरी जूट की, क्या पढ़ रहा हूं मैं भी, जूट की डोरी प्रयोग की जा सकती। नहीं भाई, जूट जो है वो प्राकृतिक रेशा है, जो जूट के पौधों से निकाला जाता है, और वो बेटा कुचालक होते हैं विद्युत के, तो इसीलिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। यानी लकड़ी के कभी तार नहीं देखे होंगे आपने जिससे विद्युत प्रवाहित हो, नहीं, वो क्योंकि वो कुचालक है। उसके बाद है विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से प्रवाहित हो सकती है, ना, बिल्कुल गलत, थर्मोकोल भी बेटा क्या है? कुचालक है। व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई अवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान हो पाता है। बताइए आखिर क्या वजह है कि बल्ब यहां पर ऐसे 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 नहीं हुआ, यानी जला नहीं, क्योंकि बेटा आगे से तो आपका टेस्टर जो है वो धातु का है, पर पीछे से टेस्टर का जो हिस्सा होता है वो प्लास्टिक या रबड़ का होता है, और क्योंकि रबड़ और प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित हो नहीं सकती, यही उत्तर है। तो लिखेंगे, दिए गए परिपथ में तार का एक सिरा विद्युत सेल के से सीधा बल्ब में जुड़ा है, जो कि ठीक है, और दूसरा सिरा एक रोधक से जुड़ा हुआ है, ये रोधक है। रोधक क्या होता है बेटा? जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, ये रोधक है, इससे जुड़ा हुआ है, इस कारण परिपथ पूरा नहीं होता, और जब परिपथ नहीं होगा पूरा तो विद्युत कहां से गुजरेगी उसमें से, और जब विद्युत नहीं गुजरेगी तो बल्ब कहां से जलेगा, तो इसीलिए बल्ब दीप्तमान नहीं होता। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए, यानी हमें इसे पूरा करना है। तो आपने देखा ये इधर पड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें इसको इसके साथ जोड़ लेना है और इसको इसके साथ जोड़ लेना है ना, बस काम बन जाएगा। तो चलिए, बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए स्वतंत्र तारों के सिरों को बल्ब के एक टर्मिनल से तथा दूसरे टर्मिनल तार को विद्युत सेल से जोड़ना पड़ेगा, और वो हमने जोड़ दिया, और इस तरीके से वो जल जाएगा। तो ये बेटा चित्र बना लेना है आपको, और ये आंसर लिख देना है। प्रश्न संख्या 5,
विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है, यानी विद्युत स्विच हम क्यों उपयोग में लेते हैं, क्या योगदान क्या है विद्युत स्विच को हम क्यों प्रयोग में लेते हैं। कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। स्विच की मदद से बल्ब को जलाना यानी दीप्तमान करना बहुत आसान है, क्योंकि परिपथ को बार बार तोड़ने के लिए बल्ब को उतारना नहीं पड़ता। अब मुझे बल्ब बंद करना है तो क्या करूं, अरे यार स्विच तो लगाया नहीं मैंने, बल्ब गया उतार लिया, फिर बल्ब लगाया जल गया, फिर उतार लिया, तो ऐसा नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, स्विच लगा देना है सो दैट जरूरत के हिसाब से हम उसे बंद और चला सके। जबकि स्विच की मदद से परिपथ को जोड़ना तोड़ना सुगम होता है। अब कह रहे हैं कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम बताइए जो जिनके अंदर ही स्विच होते हैं, जैसे हेयर ड्रायर लिख लेना बेटा, बाल सुखाने की मशीन है ना, उसके अंदर ही स्विच होता है, हाथ के पास स्विच लगा होता है ना। उसके बाद बेटा मिक्सी, मिक्सी में भी लिख देंगे, मिक्सी के अंदर स्विच होता है। प्रेस आयरन जो होता है बेटा, स्त्री, स्त्री लिख लेंगे। इसका उत्तर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, ये आप लोग मेरी बात सुनकर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तीन चार आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 4 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दिया जाए, प्रश्न संख्या 4 में देखिए रहा, इसमें अगर हम सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगा दिया जाए, यहां पर रबड़ लगा दें तो क्या होगा, क्या बल्ब जलेगा, जैसे इसमें जल रहा था, येल्लो येल्लो हो गया था, नहीं ये जल गया था, तो क्या बल्ब जलेगा, तो हम कहेंगे नहीं जलेगा, क्योंकि रबड़ जो है वो ऊष्मा सॉरी विद्युत की कुचालक है। सुरक्षा पिन की जगह अगर रबड़ लगाने से हम काम चलाएं तो बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, क्योंकि रबड़ विद्युत रोधक है, विद्युत का कुचालक है, जिसके कारण विद्युत इसमें से प्रवाहित नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 7, क्या चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा, बताइए बल्ब क्या दीप्तमान होगा। अगर आप नोटिस करो तो इसमें दोनों तार यहीं लगे हुए है ना, बताइए लगा हुआ है, तो कह रहे हैं दिए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा क्योंकि दोनों तारों के सिरे बल्ब और सेल के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर जो है ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये नीचे जुड़ा है या ऊपर जुड़ा है। अगर बेटा ये सिर्फ ऊपर जुड़ा होगा तो नहीं जलेगा, और अगर नीचे जुड़ा होगा तो जलेगा। तो हम अपने चित्र में चलते हैं जो हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर में दिया गया है, बिल्कुल वही चित्र है, तो आप लिखेंगे इसमें नहीं जलेगा। आप क्या लिखेंगे, नहीं जलेगा, बताइए जलेगा या नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि इसकी एक तार को नीचे से जुड़ा होना चाहिए। पर हमें नहीं पता बल्ब की स्थिति क्या है, कभी कभी बल्ब ऐसे भी देखे गए जिनके दोनों तार बगल में होते हैं या फिर दोनों पीछे में होते हैं, तो इस हिसाब से इसके व्याख्यान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों ही आंसर सही होंगे। डिपेंड करता है कि वहां पर बल्ब का जो दो सिरा होता है, यानी कि जो उसके दो आप क्या कह रहे थे उसको टर्मिनल्स, यस तो दो टर्मिनल्स होते हैं, उन पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 8, किसी वस्तु के साथ चालक परिरक्षित का उपयोग करके यह देखा गया है कि बल्ब दीप्तमान होता है, क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या फिर विद्युत रोधक, व्याख्यान कीजिए। भैया जब बल्ब जल गया तो क्या है, तो कह रहे क्या वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, क्योंकि विद्युत धारा केवल चालकों से ही प्रवाहित होती है और रोधकों से प्रवाहित नहीं होती है। तो वो कह रहा है ना कि जब उसको किसी चीज से जोड़ा गया तो बल्ब जलने लग गया, तो इसका मतलब वो चीज क्या है, विद्युत की सुचालक है। आपके घर में स्विच की मुरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, इसके बारे में बेटा मैंने आपको बताया था कि रबड़ जो है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीज छू रहे हैं तो या चप्पल पहने या फिर बेटा रबड़ के ग्लव्स लगाएं उसको छूने के लिए। अब इतना तो हर बार संभव नहीं है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करने जा रहे हैं उसके लिए भी आप रबड़ के जूते चप्पल पहने, तो वो मुश्किल है। तो यहां पर उत्तर में लिखा हुआ है घर में स्विच की मुरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनना पसंद करता है या फिर पहनता है, क्योंकि रबड़ दस्ताने विद्युत रोधी होते हैं, जिससे कि मुरम्मत करते वक्त अगर उसका हाथ इलेक्ट्रिक सर्किट में या विद्युत धारा से छू जाता है तो उसको झटका ना लगे। प्रश्न संख्या 10, आखिरी प्रश्न, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, ठीक है, और बेटा प्लायर्स, हत्थों पर प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं, क्या इसका कारण समझा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार पेचकस प्लायर आदि जो हैं उनके हत्थे चढ़े होते हैं,
किसके? प्लास्टिक के या रबड़ के, क्योंकि विद्युत रोधी होते हैं और इससे विद्युत उसमें नहीं बह सकती, जिसके फलस्वरूप विद्युत मिस्त्री बिजली से झटका खाने से बच जाता है और ताता थैया नहीं करता, समझे ना, नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी बेफालतू की ताता थैया ना करें, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई यंत्र उपयोग कर रहे हो तो प्रॉपर सेफ्टी रखें, खासकर कि बेटा आप जो चीज लगातार छूते रहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेस, तो प्रेस का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें, फ्रिज का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें, माइक्रोवेव का ध्यान रखें बेटा, और आपके मिक्सी का ध्यान रखें। हालांकि ज्यादातर चीजें प्लास्टिक की ही होती है बनी हुई इनमें, क्योंकि आपको करंट से बचाया जा सके, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा पाया गया है कि करंट लग जाता है। तो अपने आप को सेफ रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, घर में खुद की भी सुरक्षा करनी है, परिवार के लोगों की भी करनी है। बहुत समझदार बच्चे हो यार आप लोग, मतलब सच में क्रीमी लेवल के बच्चे हो। आप जैसे बच्चे अगर पुराने जमाने में होते ना तो जबरदस्त मजा आ जाता, मतलब हमारा इंडिया तो बहुत आगे पहुंच चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक समय आएगा जब हम इंडिया को बहुत आगे पहुंचाएंगे और हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी इंडिया को सही करने में। बहुत करप्शन है हमारे इंडिया में, उसको थोड़ा बैलेंस करना है, थोड़ा ठीक करना है, तो अच्छा पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, सोशल वर्किंग करनी है, देश की सेवा करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए बच्चों तो ऐसी वीडियो के लिए आपको चैनल पर दोबारा भी आना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा आपको कि चैनल पर वीडियो अपलोड हुई है? तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको इससे आपको कोई फायदा नहीं मिला तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि मेरा नंबर नीचे दिख रहा है 9354178315, उसको आप नोट डाउन कर लें, उस पर मुझे मैसेज कर दें कि सर ये चीजें आपके चैनल पर सुधार की आवश्यकता है, तो इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कर पाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।